नमस्कार, जय साईं राम। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आप जानते हैं। प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं, तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। पाठ पूजा में इस्तेमाल किया जा चुका सामान कहाँ रखना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, ये सवाल अक्सर मुझे किया जाता है। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि जो हम हार चढ़ाते हैं, जो हम जोत जलाते हैं, उसकी रुई कहाँ पर, उसकी बाती फिर क्या करें, जो भगवान को सामान चढ़ाया जाता है उसका क्या करें। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि उसका क्या करना है। ध्यान रखिएगा कि आपके पाठ पूजा की वाइब्रेशन, आपके पाठ पूजा की शक्ति उस सामान में होती है। आपने फूल अर्पित किए, आपने अगर बत्ती जलाई, आपने जोत जलाई, तो अस्त हो गई जोत। अगर बत्ती भी बंद हो चुकी है, हार जो चढ़ाया था परमात्मा को वो भी उतार लिया गया है, फूल मुरझा चुके हैं, परंतु उन सब का संबंध आपकी वाइब्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। एक गलती मत कीजिएगा, कुछ लोग जाकर उसको कहीं फेंक देते हैं, कहीं मंदिर के बाहर फेंक दिया या अपने आप को ही उठा लेगा, कहीं खेतों में फेंक दिया, बिल्कुल गलत है वो। उससे आपके पाठ पूजा की शक्ति बहुत कम हो जाती है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे में फिर इस सामान का क्या करें, पूजा के इस्तेमाल किए हुए सामान को क्या करें। यदि आपने किसी मंदिर में रखना है तो ऐसा मंदिर होना चाहिए जहां समय पर उसको उठाकर जल प्रवाह किया जाता है, ये ना हो कि मंदिर के अंदर लोगों के पैरों में आते हों। वैसे आपको खुद जल प्रवाह करना चाहिए। यदि गायें खाती है, गायें को खिला दीजिए, जल प्रवाह कीजिए। पानी नहीं है, गायें नहीं है, तो गहरा गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दीजिए। यदि किसी मंदिर में जाकर रखते हैं, वहाँ बिखर जाता है, पैरों में आता है, तो वो पाप आपको लगेगा। नवरात्रों में हम खेतरी बीजते हैं, जो माँ की खेतरी हम घर में जलाते हैं, वो खेतरी में से पौधे निकलते हैं, माँ का स्वरूप प्रकट होता है। तो ये माँ की खेतरी को मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जाकर मंदिरों की रास्ते में रख देते हैं, और मैंने देखा कि वो पैरों में आ रही है। अब आप विचार कीजिए कि कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा के साथ आपने वो खेतरी बीजी, उसमें कितनी शक्तियाँ थीं जो आपको फिर नहीं मिली क्योंकि वो रोड पर बिखर गई। इसलिए अपनी भक्ति के समय में इस समय को भी जोड़ लीजिए कि वह सामान खुद जल प्रवाह करना है, तभी आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा, तभी आपको पूर्ण रूप से शक्तियाँ मिलेंगी। वरना खेतरी में तो शक्ति तब तक रहेगी जब तक वो जल प्रवाह नहीं होती, तब तक वो आपकी खेतरी है, चाहे आप मंदिर में छोड़ आए। जिस जोत को आपने जलाया, जब तक आप उसको जल प्रवाह नहीं करते, वो जोत आपकी जोत है। अब यदि वो पैरों में आएगी तो उसका पाप भी आपको लगेगा, जो पुण्य आपने कमाया था उसमें कमी भी तब भी आपके लिए ही होगी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि पुण्य पाप तब तक आपके लिए है जब तक वो जल प्रवाह नहीं होता है। इसलिए अपने हाथों से जल प्रवाह करने की एक आदत डाल लीजिए। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये
जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपके जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना।